गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 10 चल रहा था वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क यानी विश्व परिवहन और संचार, उसके आज अगले टॉपिक को अपन उस पर चर्चा करने वाले हैं। पहले वाली वीडियो में बच्चों अपन ने जो पढ़ा था परिवहन किसे कहते हैं, संचार के साधन किसे कहते हैं, परिवहन के कितने भागों में अपन उसका बंटवारा किया था, संचार के साधन कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में जाना था। अब अपन परिवहन के साधनों को, जो परिवहन के प्रकारों को, जो विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। पहला है स्थलीय परिवहन, यानी अंग्रेजी में बोले तो बच्चों लैंड ट्रांसपोर्ट। स्थलीय परिवहन वो होता है जिसमें सड़क और रेल दोनों को शामिल किया जाता है। यानी स्थल का मतलब होता है बच्चों जमीन, जमीन पर चलने वाले साधन आएंगे स्थलीय परिवहन के अंतर्गत। तो स्थलीय परिवहन को दो वृहद भागों में विभक्त किया जा सकता है, पहला सड़क परिवहन और दूसरा रेल परिवहन। यद्यपि यात्रियों के परिवहन में सड़क और रेल दोनों का बहुत मूल महत्व है, किंतु व्यापारिक दृष्टि से रेल मार्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी व्यापार करने के दृष्टिकोण से देखें बच्चों तो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है सड़क की तुलना में रेल परिवहन को माना गया है, क्योंकि रेल परिवहन सस्ता भी पड़ता है और एक समय में अपन बहुत सारी चीज़ों को परिवहित कर सकते हैं। सड़क परिवहन देखना, अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का संचालन जो होता है स्थल परिवहन पर होता है। प्रारंभिक दिनों में मानव स्वयं एक वाहक था, यानी मनुष्य को खुद को सामान को इधर उधर ले जाना पड़ता था, पर धीरे धीरे जो है उनका स्थान जो है परिवहन के साधनों ने ले लिया। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग करके बोझ ढोने के लिए किया जाने लगा। फिर पहिए के आविष्कार के साथ ही गाड़ी और माल डिब्बों का प्रयोग होने लगा। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद हुई। अंडरलाइन कर लेना, 18वीं शताब्दी में जब से भाप के इंजन बने हैं तब से बहुत बड़ी क्रांति खड़ी कर दी है परिवहन के साधनों में। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्ग को रखा गया है। यानी तार मार्ग बच्चों आपने देखा होगा पुष्कर में, जहाँ पे जो सड़क मार्ग के अंतर्गत जो है बच्चों देखो क्या हो सकता है, इसके अंतर्गत साधारण सड़क यानी पगडंडी से, साधारण पगडंडी से लेकर के मोटर गाड़ियों के चलने योग्य पक्की सड़कों को इसमें समाहित किया जाता है। छोटी दूरी के परिवहन के लिए सड़क यातायात से वस्तुओं को उत्पत्ति स्थान से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाया जाता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई गई है। परिवहन के अंतर्गत साधारण साधन जो है परिवहन के अंतर्गत बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल, रिक्शा से लेकर के मोटरसाइकिल हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, मोटरकार, बस, ट्रक, ट्रॉली, इन सभी को जो है अपन शामिल कर सकते हैं। तथा यात्रियों के सामान तथा स्थानांतरण में ये सभी चीज़ें जो है अपने को सहायक के रूप में साथ देती है। सामान्यतः मानव कूली, बोझ ढोने वाले पशु, गाड़ियां अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े माल वाहक सस्ते पड़ते हैं। यानी जितना छोटा अपन साधन परिवहन के साधन का प्रयोग करेंगे उतना ही खर्चीला अपन हमारे लिए पड़ता है। उसकी तुलना में बड़े माल वाहक यानी कि एक समय में बड़े हिस्से को प्रवाहित करने वाले या परिवहन के माध्यम से ले जाने वाले जो हमारे साधन होते हैं वो हमारे लिए सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्ग और वाहकों की उसकी संपूरकता प्रदान करने में इसका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कूलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन करते हैं। अब पढ़ते हैं सड़क के बारे में। सड़क दो प्रकार की होती है, कच्ची और पक्की। पहली सड़क हो सकती है बच्चों कच्ची सड़क और पक्की सड़क भी हो सकती है। कच्ची सड़कें सामान्यतः विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ज़्यादातर गाँव में देखने को मिलती है। पक्की सड़कों को जो है कंकड़, सभी जानते हैं कंकड़ पत्थर और कंक्रीट आदि से मजबूत करके उसके ऊपर डामर जिसको कोलतार कहते हैं या अन्य आधुनिक पदार्थों से चिकना कर दिया जाता है, यानी कि उसको एकदम प्लेन कर दिया जाता है। यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल लगती है, यानी सड़कों को बनाना निर्माण की दृष्टि से सरल माना जाता है, सभी ऋतुओं में प्रभावी एवं प्रयोग योग्य नहीं होती है। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते हैं और यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित होती है, पर फिर भी ये सड़क जो है बरसात के सीज़न में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ये तो थी विकासशील देशों की। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है।
क्योंकि सड़कों का निर्माण और उसके रखरखाव पर भारी खर्चा आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती है और तीव्र संचालन के लिए मोटर मार्गों तथा ऑटो वाहन जर्मनी और अंतर्राज्यीय जल राज्य मार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ा जाता है। अब एक बार देख लेते हैं सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा किस देश में। तो पहले नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। दूसरे नंबर पे बच्चों भारत आता है, फिर चाइना आता है, ब्राज़ील, रूस। तो आपको पहला और दूसरा स्थान याद रखना है। सड़क परिवहन के अंतर्गत कुछ मार्ग आते हैं, जैसे पहला है महामार्ग किसे कहते हैं। प्रश्न बन सकता है महामार्ग किसे कहा जाता है, तो देखना क्या होता है महामार्ग। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, यानी दूरस्थ यानी दूर के स्थानों को जोड़ने वाली, जिसको अपन हाईवे कहते हैं, वो वाली पक्की सड़कें होती है। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात को आवागमन हो सके, यानी सड़कें इस प्रकार इसमें बनाई जाती है कि ताकि बिना रुकावट के जो लगातार परिवहन के साधन उसमें चल सके। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन होती है, यानी कि सिंगल लेन, डबल लेन, थर्ड फोर लेन, सिक्स लेन जो होती है, ऐसे अलग अलग लेन होती है। पुल और फ्लाई ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं, इसमें 80 मीटर चौड़ी सड़कें लगभग होती है, यानी सड़कों की चौड़ाई भी इसमें ज़्यादा होती है। विश्व के देशों में प्रत्येक नगर और बंदरगाह जो है महामार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग देखना। पहला पैन अमेरिकन महामार्ग, विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग है, ध्यान रखना सबसे लंबी सड़क है ये पैन अमेरिकन महामार्ग। देखना कहाँ पे और किन किन नगरों को जोड़ता है ये। यह विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो दक्षिण अमेरिका के देशों को मध्य अमेरिका के मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाती है, यानी यह विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो दक्षिण अमेरिका के देशों को मध्य अमेरिका जैसे मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाती है। यह महामार्ग अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर के सेटियांगो यानी चिली, ब्लू ऑयर्स यानी अर्जेंटीना होते हुए जो है ब्राज़ील में समाप्त होती है। यानी ये पैन अमेरिकन महामार्ग जो दक्षिण अमेरिका के उस क्षेत्र को मिलाता है, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देशों को मिलाता है, जो विश्व की सबसे लंबी सड़क भी मानी गई है। दूसरी है बच्चों ट्रांस कैनेडियन। देखना ट्रांस कैनेडियन रेलमार्ग, यह महामार्ग न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर को पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित वैंकूवर से जोड़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। अलास्का महामार्ग, यह कनाडा के एंड माउंटेन नगर को अलास्का के एंकोरेज नगर से जोड़ती है। फिर चौथा है स्टुअर्ट महामार्ग, यह महामार्ग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से में स्थित जो है बुटरन एलिस स्प्रिंग को जोड़ते हुए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित उनादत्ता से जोड़ती है। तो आपको केवल जो है पहला वाला महामार्ग जो है वो याद रखना है। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 प्रति किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है। अमेरिका में लगभग 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा लंबों की सड़कों की लंबाई जो अमेरिका में कितनी है, 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं वहाँ पर। अधिकांश सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। फिर आते हैं अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं अगले पैराग्राफ में। जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थलाकृति की विविधता के कारण सड़क परिवहन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन बना है वहाँ का। फिर यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या के कारण जो है रेल और जल मार्ग से कड़ी स्पर्धा उसको मिलती है। रूस में जो है औद्योगिक क्रांति के बाद से जल जो है इसका बड़ा है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं। तो सड़क परिवहन के अंतर्गत बच्चों केवल आपको वही याद रखना है जो अपन ने अभी तक पढ़ा है। अगला जो है रेल परिवहन, वो अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।